जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर नीचे से जो भक्त लोग कीर्तन सुन करके आते हैं पता नहीं चलता है बस परिसमगली बोल दो गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा जीवना जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा नंद के बरबाद कर जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जाम नदी रमन चारी राधा रमन बिहारी जय राधा रमन बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम ठीक है राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण नितई गौरंग जय नितई गौरंग नितई गौरंग जय नितई गौरंग आय जय सचिनंदन जय गौरारी जय सचिनंदन जय गौरारी हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि
हरि हरि हरि बोल 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 गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम परिगुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथाजू के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे श्री हरिदास ठाकुर जी को उन्होंने प्रेमा भक्ति और शुद्ध भक्ति उन्होंने प्रदान किया है, और उन्होंने ये भी बताई बोले जब तक हृदय में प्रेम नहीं हो जगत में भले ही जो कुछ आपको मिल जाए लेकिन प्रेम के द्वारा ही भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम का ही भगवान भूखे हैं, भगवान और किसी चीज की ठाकुर जी भूखे नहीं हैं। इसलिए कहते वैष्णव लोगों का भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो कहते सर्वशास्त्र कहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, भले ही किसी कुल में इसका जन्म क्यों नहीं हो। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी कौन सा शास्त्र में ये प्रमाण है भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो भक्ति ही मूल है, वो बहुत सारे शास्त्रों से श्लोकों को कोटेशन करके यहाँ पर उद्धृत किया है। उन्होंने क्या उद्धृत किया है बोले कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता मुकुतापि यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य में कलम
कोटि सुकृति अपि न लभ्यते। यहाँ पर कह रहे हैं अगर किसी भाग्यवशत हमें ऐसे अगर भक्त मिल जाए, बोले कैसे भक्त, बोले कृष्ण रस भाविता मति, जिनका मति संपूर्ण रूप में कृष्ण रस में विभावित हो। गुरुदेव उदाहरण देते हैं रसगुल्ला सब खाए, जैसे रसगुल्ला की कण कण में रस है, हैं? जिधर रसगुल्ला को खाओ उधर ही मिठाई है। गुरुदेव दूसरा उदाहरण देते थे जैसे किसी रूई को पानी में डुबो दो क्या होगा, उसको कण कण में एकदम पानी समा जाता है। कहते उसी तरह जिसकी कण कण में कृष्ण भक्ति समाया हुआ हो, हैं? मतलब जिनकी मति 24 घंटा में 24 घंटा जिनका मति केवल कृष्ण भक्ति रस में, और अगर जिनका भक्ति श्री राधा जी की भक्ति में हो, राधा कृष्ण दोनों की भक्ति में विभावित हो तो और भी श्रेष्ठ है। और जिनका मति श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की अनुगत्य में और राधा कृष्ण की रसी भक्ति रस में जो डूबे हुए हो बोले और भी सर्वश्रेष्ठ है, हैं? इसलिए गौरव प्रेम रसार नवे सेता रंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। इसलिए जो व्यक्ति महाप्रभु का प्रेम रस में जो गोता लगाते हैं, कहते राधा माधव का अपनी आप वो अंतरंग भक्त बन जाते हैं, अपनी आप। इसलिए महाप्रभु का भक्ति रस में जो डूबा हुआ जिसकी मति अगर ऐसे भाग्यवशत ऐसे साधु का संग मिल जाए तो क्या करो, बोले अगर सर काट करके देना पड़ जाए, हैं? अगर सर को काट करके देना पड़ जाए, भैया सर काट करके दे दो और ऐसे भक्तों को खरीद लो, ऐसे भक्तों को खरीद लो, ऐसे भक्तों को, हैं? इसलिए इसी श्लोक में कहते हैं कोटि सुकृति अपि न लभ्यते। कहते भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति कैसे मिलती है, कहते सत्संग प्राप्त ही पूंबी सुकृत ही पूर्व संचित ही। कहते अगर हमारी पूर्व पूर्व जन्म का कुछ सुकृति हो, कृष्ण उन्मुखी सुकृति हो, इसको द्वारा क्या होता है, भक्तों का संग मिलता है। भक्तों का संग तभी मिलेगा अगर हमें है पूर्व पूर्व जन्म का भक्ति उन्मुखी सुकृति अगर हो। लेकिन यहाँ पर कहते हैं अगर किसी भाग्यवशतः हमें कहीं ऐसे साधु श्रेष्ठ साधु का दर्शन प्राप्त हो जाए, हमें बोले भैया करोड़ों सुकृतियों को द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होता है उससे ज्यादा लाभ होता है अगर ऐसे भगवत भक्तों का संग अगर जीवन में मिल जाए, हैं? इसलिए शुद्ध भक्तों का जो संग है ये सर्वश्रेष्ठ है। जैसे श्री नारद जी, जैसे श्री वाल्मीकि, पहले कौन थे, दसरथ रत्नाकर था, लेकिन भाग्यवशत कैसे नारद रास्ता में मिल गए, भाग्य अचानक मिल गए, हैं? कभी कभी तो होता है सुकृति की पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति की अनुरूप भक्त दर्शन मिलता है, लेकिन ये कभी कभी भाग्यवशत अपने आप कहीं मिल जाते, अपने आप कहीं मिल जाते, हठात कैसे मिल जाते हैं। इसलिए जब उनको नारद जी का संग मिल गया बस, तब नारद जी बोले 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 राम, बोलो राम, बोलो राम, लेकिन उसका मुंह में राम का नाम ही नहीं निकला, राम का नाम नहीं निकला। बोले क्यों, बोले दुष्ट है ना, पापी है, इसलिए पापी को मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलती है। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ ये तो बोलता था, बोले भैया मरा मरा तो बोल सकते हो, अब बोलो मरा मरा मरा, लेकिन अपने अब राम राम हो जाता है, मरा मरा बोलो सबके सब, अपने अब राम हो जाता है। इसलिए ये राम राम है, ये अपने आप राम हो जाता है मरा मुंह से। इसलिए बोले उल्टा नाम जपते जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मनवाई। इसलिए भगवान कहते बोले राम ना सकई नाम गुण गाए, भगवान खुद भी अपना नाम की महिमा बता नहीं पाते हैं, ऐसे भगवत नाम की इतने महिमा है ना? इसलिए यहाँ पर कहते करोड़ों करोड़ सुकृतियों को द्वारा जो वस्तु नहीं मिलता है अगर किसी शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए ना, बस इसमें जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रदमान मदपुमा है। इसलिए यहाँ पर एक एक श्लोकों को उदाहरण देते हैं, भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, जीव अगर वैष्णव हो तो सर्वश्रेष्ठ। इसलिए
तुम लोगों को जो एक श्लोक महाराज जी याद करवाया, बोले अहो बत सपचो, बोलो जोर से हम लोग बोलो जिसको याद है। जोर से बोलो, अनुभव प्रभु बोलो, इसका मतलब बोलो अच्छे तरह से, बढ़िया से। को भलक रिगो भलक रे अभ्यास कर देव, को भलक सुंदर कर रिगो आगे जहाँ सुनीच सब मिले कि रिगो हस्त कौन। हाँ को माइक दे दो, भलक रिगो श्लोक। हाँ जुहु सस्नु आर्यः ब्रह्मानुचुन्नाम गृणन्ति जयते। इस श्लोक में नाम महिमा बता रहे हैं और वैष्णव महिमा बता रहे हैं। कह रहे हैं अहोबत सोपच अतगरियान जज्जिबाग्रे वर्तते नाम चोभ्यम, कि अहोबत अहो अहो माने आश्चर्य पर बोलते देखो इस सोपच भी गरियान है, आश्चर्य होकर सोपच गरियान अर्थात श्रेष्ठ है। जज्जिबाग्रे वर्तत नाम तुभ्यम, जिसके जिभा अग्र में वर्तत अर्थात धारण किया हुआ है आपका नाम, भगवान के नाम। जज्जिबाग्रे वर्तत नाम तुभ्यम ते कु तपह ते जुहु सस्नु आर्यः, बोलते हैं ये जो नाम, ये जो भगवान जो हरि बोल के दो अक्षर आप जज्जिबाग में धारण किया है, इतना सुकृति उसका हो जाता है कि उसे समझना चाहिए कि तेपु तपस्ते है सुशु जुहु को सस्म आ गया, कि वो सारे तीर्थ में सारे जो जितने कितना अरब तीर्थ है वो सारे तीर्थ में स्नान किया, फल उसको प्राप्त हो गया। और सुष्णुभु और जो सारे यज्ञ का जो सारे अच्छे अच्छे यज्ञ का जो फल है उसको प्राप्त हो गया। और सुष्णुभु जुहु को सस्म आ गया, क्या हो गया, सारे तीर्थ सारे तप सारे तप का भी समझना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या किया ना, सारे तप कर लिया, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया और सारा यज्ञ हवन कर लिया, तो इस प्रकार भगवान के नाम का श्रेष्ठता है। इसलिए इसमें इसमें ये बता रहे हैं बोले अहो बत सपोच अतो गरियान, अहो मतलब होता है जैसे कोई हम आश्चर्य चीज देखते हैं ना, जब कोई हम आश्चर्य चीज देखते हैं हम क्या कहते हैं, क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है हम बोलते हैं ना, इसलिए इसमें यहाँ पर कह रहे हैं बोले अहो, अहो मतलब है जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करते हैं कहते भैया वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि साधारण व्यक्ति होगा ना तो कभी भगवान का नाम कभी उच्चारण कर ही नहीं सकता है, उसको मुंह से कभी निकलेगा नहीं भगवान का नाम। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बोले हे अर्जुन मेरे नाम को कौन ग्रहण कर सकता है, बोले जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत, बोले हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को उच्चारण कर सकता है जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक, बोले एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक जिसने ठाकुर जी की बड़े निष्ठा पूर्वक अर्चन सेवा पूजा की है तभी इसी जीवन में उसी की जिह्वा में हर समय भगवत नाम उच्चारण हो सकता है। इसलिए इसी जीवन में जो व्यक्ति भगवत नाम उच्चारण कर रहे हैं, क्या समझो 100 जन्म पहले उसने अर्चन पूजा करके आए, और यहाँ पर भगवान स्वयं क्या कहते हैं अहो, इसलिए कहते अहो मतलब जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं कहते वो व्यक्ति साधारण नहीं, इसलिए अहो हैं। इसलिए कहते वो व्यक्ति अगर चंडाल क्यों नहीं हो, कहते जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मतलब कहते वो संपूर्ण जिह्वा में नहीं केवल जिह्वा की अग्रदेश में है, केवल जिह्वा की अग्रदेश में अगर नाम उच्चारण हो तो विश्वनाथ जी को ठाकुर कहते हैं भैया जिसका जिह्वा की अग्रदेश में एक भगवान का नाम उच्चारण हो उसके लिए आप कहते अहो मतलब आश्चर्य की बात है, जिसकी जिह्वा के अग्र में भगवत नाम उच्चारण हो रहा है, बोले संपूर्ण जिह्वा में जिसका नाम उच्चारण हो रहा है, संपूर्ण जिह्वा में जो भगवान का नाम, बोले उसका महिमा का बता नहीं सकता। बोले जो व्यक्ति फिर कानों को द्वारा
भगवान की कथा सुनते, बोले भैया उसका तो महिमा और ज्यादा है। बोले अगर कोई व्यक्ति इन आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करते, बोले भैया वो तो और भाग्यवान है। बोले जिन्होंने ये दोनों हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बोले तो और भाग्यवान है। कहते जो दो चरण से, चरणों के द्वारा जो व्यक्ति चल करके जहाँ हरि कथा हो रही है अगर वहां पर जाते, बोले भैया और तो भाग्यवान है। और जो पूरा एकादश इंद्रियों को द्वारा जो भगवान की सेवा करते हैं, बोले उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति कितने सौभाग्यवान है। इसलिए क्या समझो, अगर वो पूर्व जन्म में चार काम अगर करके आया तो तभी यहाँ पर जितना जो है जो तपस्या यज्ञ ये जितना ये ना वो सब बताया गया, जो पहले करके आए हैं, जो पहले करके जो सारे 6 अरब जो तीर्थ भ्रमण कर चुके हैं, हैं जो व्यक्ति जगत में जितने तरह तरह का यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सत्रयाज यज्ञ, जितने बड़े से बड़े यज्ञ जो पूर्व जन्म में कर चुके हैं, और जितने तरह का दान है, हैं भाई स्कूल कॉलेज खोलना, किसने हॉस्पिटल खोल दिया, कितने धर्मशाला खोल दिया, किसने दवाखाना खोल दिया है। कहते पूर्व जन्म में उसने ये सारे तपस्या जंग तीर्थाटन पूर्व जन्म में सब कुछ कर चुका, तभी इसी जीवन में भगवत नाम उच्चारण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं तथापि वो सर्वतम सर्व सर्व शास्त्र का है। अगर वो व्यक्ति भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, जो भगवत नाम उच्चारण करता है उसको क्या समझनी चाहिए, जगत में वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ। इसलिए और एक श्लोक कहते हैं, नमे अभक्त चतुर्वेदि मद्भक्त सबच प्रियम तस्मै दयम ततो ग्राज्यम सच पूज्यम यथाई अहम। श्लोकों को याद कराए थे ना, याद कराए थे। हाँ को अर्थ करो, हाँ को भले सब क्लिक करो, हाँ हस्त गण पूरा से नहीं हो, हाँ को भले कर को इस श्लोक में वास्तव में भक्त की महिमा को वर्णन कर रहे कि भक्त भगवान की कितना प्रिय होता है। नाम है अभक्त चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय, जो चतुर्वेदी मतलब चार वेद को जानने वाला, उससे भी जो मेरा जो वो अगर अभक्त है वो मेरा प्रिय नहीं, तो वास्तव में प्रिय कौन ना मेरा भक्त। अगर चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ, चंडाल किसको कहते हैं जो कुत्ते के मांस खाने वाला है, वो अगर भक्त ही वो भी क्या ना चतुर्वेदी से श्रेष्ठ है। तो इसमें किसके साथ वर्णन कर रहे हैं, बल्कि तो जो वास्तव में शास्त्र वेद जो सबसे उत्कृष्ट शास्त्र बतला गया उसको चंडाल जो भक्त है उसके साथ तुलना करते हैं, बल्कि ऐसे करने के ये तो विशेष रूप में भगवान दर्शा रहे इसमें कि वास्तव में जो वेद पुराण इत्यादि जो शास्त्र है उसमें पारंगत होने के बाद वो क्या ना भगवान को उपयुक्त उपाय में प्रसन्न तथा वो उतना उनको जय नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो शास्त्र इत्यादि ग्रंथ अध्ययन कर लेते मगर वास्तव में जो शास्त्र की जो मोरल जो सिद्धांत जो कंक्लूजन उसको जान नहीं पाते है, क्योंकि वो बाहिक रूप में पांडित्यता को प्रकाश करते हैं, केवल शास्त्र के अर्थ वास्तव जो अर्थ है उसको जानते नहीं। इसलिए चैतन्य भागवतम बोलते हैं कि जेवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती आदि सब ताहरे न जाने सब शास्त्र अनुभव, कि शास्त्र तो रट लेते हैं और बड़े पंडित भी सामाजिक जगत में रूप में प्रकाशित भी हो जाते हैं, और फिर क्या ना वास्तविक ग्रंथ की जो अनुभव होता है, जो अनुभूति की भगवान को जानना और भगवान की वास्तव जो तत्व है उसको जानना है, ये बात उनके वास्तव में अनुभूति नहीं रहता है। परम पर जो पराविद्या मतलब भगवान की अनुभूति संपन्न नहीं होने के कारण इसलिए उनको इतना श्रेष्ठ माना नहीं गया जितना के भक्त को माना गया। इसलिए भगवान भक्त की महिमा को वर्णन करते इसलिए क्या बोले गीतामी की मनमना भव मद भक्तो, कि अब जैसे स्थिति में भी हो क्या हो ना मेरा भक्त बन जाओ तो उसमें ही श्रेष्ठता है। इसलिए बोले की तत्व ग्रह तत्व तस्मय तत्व ग्रह सहज पूज्य तथा ही की
जो मेरा भक्त हो गया चाहे वो चांडाल कुल में क्यों ना हो, उसको क्या करना चाहिए ना, उसको जो व्यवहार जो चीज है उनको देना चाहिए और तत्व ग्रह उससे अगर कुछ 50 करोड़ प्रसादी स्वरूप मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए। और वो पूज्य है कैसा ना, पूरा मेरे जैसे जथाई अहम, कि मैं जैसा जगत में पूज्य हूँ तथा सबका प्रिय हो, वो भक्त भी चांडाल होने पर भी अगर वो भक्त है तो सारी और सबका पूज्य तथा ऐसा ही प्रिय है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उसको ही वो ही लेने का अधिकारी है, हैं? जैसे कहते एक समय श्री अद्वैत आचार्य के घर में उन्होंने पितृ श्राद्ध हो रहा था, पितृ श्राद्ध में उन्होंने सब बड़े बड़े वैष्णवों को उन्होंने बुलाया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया है, तथा कथित बड़े बड़े भट्टाचार्य सठाचार्य चतुर्वेदी सबसे बड़े बड़े उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, उसको साथ साथ में भी उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया। उसमें नियम होता है जो अग्र पूजा वा जो एक थाली होता है जो अग्र थाली कहते तो उनको अंदर में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो उनको ही पहला थाली उन्हें दिया जाता है, नियम ये है। अभी अद्वैताचार्य जो सोच रहे हैं अभी बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण आए उसी समय, मैंने 5.5 साल पहले साधारण तो बात है ही नहीं, उस समय ब्राह्मण वर्ण और आश्रम को पालन करने वाले ब्राह्मण ही शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने वाले ही ब्राह्मण होते थे, हैं? इसलिए बड़े नामी ब्राह्मण है। फिर उसको साथ साथ में श्री हरिदास ठाकुर जी भी आए। अभी सोच रहे हैं कि जो पहला पात्र सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को देनी चाहिए, अभी उनको किसके दे, अद्वैताचार्य कौन है, महाविष्णु सदाशिव है, उनको पता है वो वैष्णव नाम यथा संभव, इसलिए उनको पता है एक श्लोक है ना, सत्र जाति सहस्रेभ्य बोलो, सत्र जाति सहस्रेभ्य सर्ववेदान पारग, सर्ववेदान बीत कोट्या विष्णु भक्ति विशेष, इसलिए वहां पर कहते हैं हाँ, सारे सर्व वेदांत बीत कोट्या, हाँ, ऐसे जो सर्व वेदांत को जानने वाले ऐसे ऐसे कोटि कोटि अंदर में एक एक श्रेष्ठ वैष्णव श्रेष्ठ है, हैं? इसलिए सारे शास्त्र को जानने वाले, इसलिए उन्होंने जो अग्र पात्र था थाली उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को दिया। और देते ही जितने ब्राह्मण थे सबके सब खड़े हो गए, पहले ब्राह्मण ब्राह्मण होते थे खड़े हो गए, बोले कि हमें यहाँ अपमान करने के लिए बुलाया था, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हुए हैं, आपको कोई मिले नहीं, कोई ब्राह्मण मिले नहीं, और ये कहा मुसलमान घर में जन्म हुआ है, मुसलमान घर में जन्म हुआ एक मुसलमान व्यक्ति को आपने अग्र प्राप्त ग्रहण किया, तुम्हारे घर में हम खाना नहीं खाएंगे, इसलिए सब छोड़कर चले, बोले हम क्या अपमान बुना करने के लिए बुलाया था। लेकिन अद्वैत आचार्य जो तो बोले कोई चिंता नहीं, जल जाओ तुम लोग, जाना तो जाओ। इसलिए हरिदास ठाकुर जी बाद में जो बोले, बोले आप ऐसे क्यों किया, यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े ब्राह्मण थे उनको नहीं दे करके मैं कहा मुसलमान कुल में जन्म ग्रहण किया हूँ, मेरे को क्यों प्रदान की। अद्वैत आचार्य जो कह रहे हैं तुम्हारे खावा हिले है कोटि ब्राह्मण भोजन अतएव श्राद्ध पात्र कराए ले भोजन, कहते अगर आपको भोजन कराना पर क्या होगा, बोले करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाना है, जितना महत्व है आपको खिलाना उससे भी ज्यादा महत्व है, क्यों, कल हम सुन रहे थे ना, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद कहे न मम वैष्णव पुराण, भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्तों का हृदय में निवास करता हूँ, जो वैष्णव है ना मेरा प्राण है, मेरे ये प्राण है वैष्णव लोग, इसलिए उन्होंने कोई डोंट केयर, कोई केयर नहीं किया। इतने में क्या हुआ, अद्वैत आचार्य है क्या हुआ, उनकी घर में कोई व्यक्ति जो परिवेषण कर रहा था, परिवेषण करते समय हठात तो अद्वैत आचार्य पीछे से नहीं, अद्वैत आचार्य जब परिवेषण कर रहे थे, परिवेषण करते समय हठात तो उनकी पत्नी पीछे से जब आई, ब्राह्मण लोगों ने देखा वो दो हाथ से तो परिवेषण कर रहे थे लेकिन उनको और पीछे दो हाथ देखा, और दो हाथ से उनको पत्नी को उन्होंने कुछ चीज को मना किया, सब लोगों ने देखा उसका 4 हाथ है, क्योंकि वो सदाशिव है ना, महाविष्णु महाविष्णु है, विष्णु का 4 हाथ है, इसलिए सबके सब लोग देखा इसका तो 4 हाथ है,
चारों हाथ पर समझ गए कि अद्वैत आचार्य कोई साधारण नहीं, और जो लोग वहां छोड़ कर गए ना, सबके सब डायरिया सब कलरा हो गया, क्यों उन्होंने वैष्णव अपराध किया ना, इसलिए वैष्णव अपराध सबके सब कलरा हो गया, समझ गए भैया हमने अपराध किया। इसलिए ये श्लोक में कह रहे हैं देने का पात्र कौन है, किसको प्रदान करे है, कद वैष्णव को ही प्रदान करो और उनसे ही ग्रहण करो और उनको दो, भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, इसलिए भले ही वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, उसको ही देने का जो क्यों वही है, उससे दो और उनसे ही ग्रहण करो। इसलिए बोले आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात परम तरफ देवी तदिया नाम समर्चनम। इसलिए ये श्लोक शंकर जी पार्वती को कह रहे, बोले पार्वती आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, जितने आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ अगर आराधना कोई हो, बोले कौन है, बोले भगवान विष्णु। भैया पार्वती तो दुखी हो गई, बोले क्यों, बोले मैं तो जिंदगी भर शंकर जी की पूजा करते करते आया है, जिंदगी भर शंकर जी की पूजा किया, लेकिन ये कह रहे हैं आराधना में जो सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है, बोले भगवान विष्णु की, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। शंकर जी बोले पार्वती चिंता मत करो, तस्मात परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, उससे भी श्रेष्ठ आराधना है तदीय जो भक्त है, उनसे भी श्रेष्ठ आराधना उनकी भक्तो आराधना। पार्वती बोले भैया तसल्ली मिला है, क्योंकि शंकर जी कौन है, शंकर जी वैष्णव नाम यथासंभो है, इसलिए पार्वती उनको चैन मिली। इसलिए यहाँ कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वा जति वेतर विष्णु भक्ति समाजुक्तम गेव सर्प तममत। इसलिए कहते भले ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इतर जाति में अगर भले ही कोई जन्म क्यों नहीं हो, अगर वो व्यक्ति विष्णु भक्ति युक्त है, कहते वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सपोच अभी महिपाल विष्णु भक्ति द्विजाधिक, अगर वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, सर्वश्रेष्ठ है अगर वो भगवत भक्ति युक्त हो, और विष्णु भक्ति विहीनाज जतिश्च सपोजाधिक, अगर भगवत भक्ति से अगर विहीन हो, भले ही वो व्यक्ति संन्यास क्यों नहीं हो है, वो जति संन्यास क्यों नहीं हो, इसलिए बोले की बा जति सती की बा नीच जाति जजई हरि नाही भजे तबे जन्म या भ्रमिया भ्रमिया रौरव नरक मजे। इसलिए की बा जति सती की बा नीच जाति है, इसलिए भले ही वो जति हो, भले ही कितनी सती क्यों नहीं हो, जति हरि नाही भजे, अगर वो व्यक्ति हरि का भजन नहीं करता है, तभी जन्म या भ्रम या भ्रम या रौरव नरक मजे है। इसलिए वो व्यक्ति 14 ब्रह्मांड भ्रमण करते नरक में स्थान होता है। इसलिए यहाँ और एक श्लोक बताए, बोले अभी तक अगर किसको भगवत भक्ति मिली, किसको भगवत दर्शन मिला, किसकी कृपा से मिली, केवल वैष्णव कृपा से, केवल भक्तों की कृपा से, अभी तक जितने सारे शास्त्र को अगर ढूंढेंगे, अगर जिनको जिन जिनों को भगवत भक्ति मिला है, अगर ढूंढोगे जीवन में किसकी कृपा से, बोले भगवत भक्तों कृपा से। इसलिए किरात होना पुलिंद पक्को सा अभी जवना खगा था। इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कति जितने जे अपि अन्न पाप जदुपाश्रया शुद्धन्ति तस्मयी प्रभ विज्ञय नमः। इस श्लोक में कह रहे हैं अगर कोई पुलिंद हो है, कोई आभीर हो, कोई जवन हो, कोई चिड़िया जाति में क्यों जन्म अगर क्यों नहीं किया हो, अगर उनका पहले जन्म देखोगे तो इनको भगवत प्राप्ति कैसे हुई, कहते पहले जरूर देखोगे, उनको पहले जरूर उसको किसी भक्तों का संग मिला है। जैसे किरात है, वो जो किरात मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ ब्याद है, बहेलिया, ये बहेलिया को भक्ति मिली कैसे है, ये जो प्राणी को मार करके आधा मरा अवस्था में छोड़ देता था, आधा मरा, इसलिए जब नारद जी गए देखा एक खरगोश पड़ा हुआ, तीर पीत हुआ शरीर में, छटपट छटपट कर रहा है, खून से लथपथ है, और थोड़ी दूर गया तो देखा हिरण भी ऐसे छटपट आधा मरा, और थोड़ी दूर गया तो सूअर भी ऐसे पड़ा हुआ, भैया ये आधा मरा पड़े हुए और छटपट छटपट कर रहे हैं, और दूर जाकर देखा ना एक बहेलिया पेड़ को आड़ से खड़ा हुआ,
धनुष लेकर के और तीर संधान के लिए कि हिरण को फिर मारने जा रहा था। जब नारद जी हठात पहुंचे, हिरण देखते ही भाग गया। इतने में वो बहेलिया को तो बड़ा क्रोध, बोले बाबा तुमने मेरे शिकार को बर्बाद कर दिया, हैं? क्यों इधर क्यों, और कोई रास्ता नहीं था? लेकिन वो तो नारद है, मतलब नारद है, वो तो साधारण व्यक्ति है ही नहीं है कुछ तो। इतने में नारद जी ने पूछा, मैंने देखा रास्ता में आते समय कुछ जानवर आधा मरे हुए और तीर लगा हुआ छटपट छटपट कर रहे, इनको किसने मारा? बोले मैंने। बोले भैया मारना तो जान से मार दो, आधा मरा क्यों छोड़ दिया? बोले ये मेरे पिताजी ने सिखाया है, जब आधा मरा हुआ किसी जानवर को मैं देखता हूँ ना छटपट करता है, मेरे को बड़ा आनंद मिलता है। मतलब इनका जीवन देखो, इनका जीवन देखो, और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कहते भैया एक चिट्ठी को भी मत मार, एक चिट्ठी को भी किसी को भी कष्ट मत दिया करो, हमारी धर्म ये कहता है, हैं? इसलिए नारद जी ने कहा तुमने ये सब जो किया है इसका फल तुमको पता है क्या, फल क्या है? तब नारद उनको दिखा दिया, क्या दिखाया? जिन जिन प्राणियों को उसने मारा देखा, वही वही प्राणी उसको लेकर के टुकड़ो टुकड़ो करके काट रहे थे, चित्कार कर रहा था। बोले पहले जीवन में हमको मारा तुम्हें पता है, इसलिए उसका नाम मांस। मांस मतलब क्या है? मांग मतलब होता है मुझको, स मतलब होता है वह, मतलब अभी तुम जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, इसलिए कहते मीट। मीट मतलब क्या? मी ईट बाय ईट मी, मी ईट बाय ईट मी, है? इसलिए हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा, इसलिए उन्होंने दिखा दिया तो जीवन परिवर्तन हो गया। बोले मेरी उधार कैसे होएगा? बोले लो भगवान का नाम लो और ये धनुष को पहले तोड़ दो, है? और यहीं पर बैठ करके भगवान की भजन करो। बोले धनुष तोड़ देगा तो भोजन कहाँ से मिलेगा? बोले कोई भोजन के लिए कोई चिंता मत करो, भोजन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो भाग्य में लिखा हुआ है ना वो कहीं भी नहीं जाएगा। भगवान की भक्ति करो। सचमुच से उन्होंने ऐसे भक्ति की। नारद जब अपना चेले को साथ में आए, हैं, दर्शन करने के लिए आए, दूर से गुरु जी को देखा है ना, खड़े होकर के अपना कपड़े से रास्ता को साफ करते 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 जा रहे थे। बोले ये कौन है? फिर उनने सुनाया ये पहले कैसे जानवर को आधा मार करके से छोड़ देता था, और अभी रास्ता को क्यों झाड़ करके जा रहे थे? बोले प्यारों के नीचे कोई एक चिट्ठी भी नहीं मर जाए। बोले नारद जी आप तो परस मणि हो, जैसे स्पर्श मणि से लोहे की टुकड़े अगर लग जाए, जैसे वो सोना बन जाती है, आप भी उनको सोने बनाती है। इसलिए कहते जो किरात है किसकी कृपा से हुई? बोले नारद जी कृपा से। अगर कोई पुलिंद सबर कोई है, कहते जवना, अगर कोई जवन परिवर्तन हुआ तो पहले किसी भक्तों की कृपा से। जितने खगादय, खगादय मतलब होता है जितने चिड़िया है, जैसे काग भूसुंडी है, जैसे गरुड़ जी है, अगर इनकी कोई पूर्व जन्म किसी का भी देखो, किसी को भी पूर्व जन्म में अगर देखोगे, प्रहलाद को देखो, राक्षस कुल में जन्म हुआ है, किसकी कृपा से मिली है? नारद जी कृपा से। जैसे विभीषण है, किसकी कृपा से भक्ति मिली है? हनुमान जी की कृपा से। इसलिए कहते अभी तक जिन जिनियों को भगवत प्राप्ति हुई, अगर पहले देखोगे ना, जरूर किसी ना किसी रूप में किसी भक्तों की कृपा उनको पर हुई, तभी भगवत भक्ति मिले। इसलिए यहाँ कहते हैं नीच जाति नहे कृष्ण भजन अयोग्य, सात कुल विपर नहे भजन योग्य, जय भजे सही बड़ा अभक्त ही नचार, कृष्ण भजन नहीं जाती बुलाते बिचारी। जो ये जो ये जो प्यार है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्यार है। इस प्यार को गौड़ीय कंठार में भी बंगला प्यार है, वो प्यार को भी याद कर लेनी चाहिए, है? इसलिए कहते हैं नीचे जाति नहे कृष्ण भजन अयोग्य। इसलिए भले ही नीचे जाति में कोई जन्म लिया है, ये मत समझो भजन नहीं कर सकता है, और सात कुल विपर नहीं भजन योग्य है। इसलिए कोई अगर श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है, ऐसे मत समझो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए जय भजे सही बड़ा अभक्ति ही निचार, कृष्ण भजन नहीं जाती बुलाद विचार। इसलिए भगवान की भक्ति में जाति कुल का कोई विचार नहीं, जय भजे सही बड़ा, जो भजन करता है वही बड़ा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए कभी भी वैष्णवों को जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। जाति बुद्धि करने से अरे ये अमुक जाति से आया है, हैं? अमुक जाति से आया है,
जितना हमारे विदेशी भक्त आते हैं, अंग्रेजी लोग आते हैं, उनको क्या बोलते बताओ? उनको ब्लेच्छा कहते हैं, क्योंकि पहले ये गो मांस खाते थे, हैं? ये गो मांस हमारी सर्वश्रेष्ठ, अगर गंदा सबसे बड़ा, अगर बड़ी कोई पाप हो ना, हैं? दूसरे जानवर खाने से जितना पाप होता है उससे सबसे ज्यादा जो बड़ा पाप है गैया। हमारे हिंदू धर्म क्या कहते हैं, सनातन धर्म, अनजान में भी तुम्हारे हाथ में कोई अगर गैया अगर मर जाए ना, आपको पता होगा 21 दिन तक हमारे गांव में उसको घर के बाहर रहना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता था, और मुंह में तिनका दबा करके घर घर में भिक्षा मांगना पड़ता है। मैंने गैया मार दिया, फिर गैया जाकर गैया गांव के कोने में जाकर जोर जोर से बोलता है, मेरे से ये अपराध हुआ है, हमने गैया को मारा, मतलब इतने इतने कठिन, उसके बाद में क्या क्या प्रायश्चित करना पड़ता है, अनजान में भी हमारे हाथ में गैया बंद हो जाए, हैं? लेकिन अभी उन लोगों को देखो, गले में कंठी माला तिलक लगाकर भगवान की भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं सबके सब। इसलिए जब सुबुद्धि राय ने, हैं, सुबुद्धि राय की कथा जान तो पता है कि सुबुद्धि राय की कथा, इसलिए उन्होंने कैसे पहले बड़े पोस्ट में था, है, कहीं राजा बना था, लेकिन उसका अधीन में एक मुसलमान काम करता था, है, मुसलमान, और उन्होंने राज जो पैसा उन्होंने कभी चोरी की, पकड़ा गया तो चुके ये सुबुद्धि राय, ये हिंदू घर में था इसलिए उसको देनी था ये मृत्यु दंड, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिंधु है हृदय दया है, केवल उसको पीठ के ऊपर एक कोड़े मार कर उन्होंने छोड़ दिया, हाँ, तीन कोड़े मार कर छोड़ दिया, लेकिन चक्रवर्त परिवर्तन थे सुखाने चो दुखाने चो, इसलिए कहते कभी राजा कभी प्रजा, किसी कारण से कुछ दिन बाद में क्या हुआ, जो सुबुद्धि राय किसी कारण से वो बन गया प्रजा, और जो मुसलमान था वही बन गया राजा, बन गया। जब राजा बन गया, अभी उसकी शादी हुई, घर में बेगम आई, उसकी रानी आई, एक दिन उसका रानी उसको पीठ में तेल लगा रहा था, और उन्होंने देखा कोड़े की दाग पड़ा हुआ, तो उन्होंने पूछा ये कोड़े की दाग कहाँ से आ गया, बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले नहीं बताना पड़ेगा ये क्यों है, और एक स्त्री हट होता है, स्त्री हट मतलब होता है अगर स्त्री अगर हट कर लिया ना, मेरे भैया से साड़ी चाहिए, नहीं तो हम मेरे लिए ये गहना चाहिए, अगर उसका इच्छा नहीं पूरी करेगा ना, फिर तो टेढ़ी टेढ़ी मुंह से बात करेगी, रोटी फेंक करके देगी, ठीक से बात नहीं करेगी, हैं, बोले बोलना पड़ेगा क्यों, अभी उनको जोर जबरदस्ती बोलना पड़ा, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले देखो अभी आप राजा बने हो, प्रजा बना, उसको मृत्यु दंड दे दो, इसको मृत्यु दंड दो। उसने कहा देखो उसी समय में वो मेरे को प्राण दंड दे सकता था, लेकिन वो हिंदू होने के नाते हृदय में दया भावना है, इसलिए उन्होंने मेरे को केवल कोड़े मारकर छोड़ दिया, मैं ऐसे नहीं कर सकता, बोले ऐसे नहीं कर सकते तो जाति ले लो, उसका जाति ले लो, हाँ, एक बदना होता है उनको, कोई पात्र है कद उसमें अगर पानी पिला दो ना तुम्हारी जाति नष्ट हो जाता है, उसमें हुआ इसलिए कहते उसको पिलाने पर क्या होता है, फिर वो जाति नष्ट हो जाता है, उसको जाति नष्ट कर दिया, पहले हिंदू तो अभी भी हिंदू ऐसे है, हिंदू तो पहले बड़े पक्के होते थे, बोले मेरा जाति चला गया, मैं तो जान से प्राण जाना सही है, इसलिए उन्होंने हर मंदिर मंदिर में जाकर की बड़े बड़े ब्राह्मण लोगों को प्रायश्चित कैसे होगा उन्होंने पूछा, लेकिन जो ब्राह्मण लोगों ने जो प्रायश्चित बताया, बोले एक काम करो एकदम उबलते हुए जो घी पी लो, मतलब प्राण त्याग दो, किसने बोले लोहे गर्म करो जब पिघल जाता है ना उसको पी लो, मतलब जान दो, किसने बोले भैया ये तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा कठिन है, और कुछ है और किसको पास में गए, बोले काम करो बीच में बैठ जाओ और कंडा चारों तरफ लगा दो और कंडे में आग लगा दो, बोले जिंदा जिंदा कंडे को अंदर में प्राण को, ये तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा कठिन है, ऐसे भटकते रहे, लेकिन जब से चैतन्य महाप्रभु से मिले, जब चैतन्य महाप्रभु को बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं, वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, इसलिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, वैष्णव का सेवा करो और भगवान का नाम जप करो, हाँ? भगवान इसलिए बोले, इसलिए मधुरम मधुरम मेतद
मंगलम मंगला नाम सकल निगम वलि सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीत श्रद्धया हेलेवा भृगुवर नर मात्र तारते कृष्ण नाम। भगवान का जो नाम है ये मीठे सभी मीठे मधुर सभी मधुर हैं। जितने सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवान का नाम, अगर किसी तरह से मुंह से भगवान की बार नाम उच्चारण हो जाए ना, इसलिए अशेष अगहरम विदु जन्म जन्मांतर का सारे पाप को ये कृष्ण नाम नष्ट कर देता है। बोले सबसे बेस्ट उपाय, सबसे ये बेस्ट उपाय उन्होंने हैं जो मथुरा में जो केशव देव मंदिर में वहीं पर बैठी करके जब यात्री लोग आते थे कुछ प्रणाम देते थे वो पैसा को रखते थे। बोले क्यों? बोले बंगाल से जब वैष्णव लोग आएंगे वो लोग स्नान करते समय शरीर में सरिस तेल लगाते हैं, सरिस तेल लगा करके स्नान करते हैं और उधर तो रोटी खाते हैं। और जो बंगाली वैष्णव होते हैं उड़िया, वो कौन सा खाते हैं? चावल खाते हैं। वैष्णव के लिए उन्होंने चावल खाने का व्यवस्था करते थे, जो प्रणाम मिलता था और जितने भक्त लोग आते थे चरण धुल लेते थे और वहीं पर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम करते थे। इसलिए इस सबसे सरल उपाय है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जेतार कथा श्रवण कर, इसलिए कहते जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर जी की कथा श्रवण करते हैं उनको क्या मिलेगा? उनको भगवान की भक्ति मिलेगी। क्यों? भक्तों का चरित्र श्रवण करने से हृदय में भी भक्ति की भाव जागृत होता है, हैं? भक्ति की भाव जागृत होता है। इसलिए कहते कोई बोले चतुर्मुख जन हरिदास, हरिदास के इसकी कौन है? जैसे चतुर्मुख ब्रह्मा है। केह बोले प्रहलाद जन प्रकाश, कोई क्या कहते इस मानो ये प्रहलाद महाराज प्रकाश हुए। क्यों? उनको 22 बाजार में पिटाई होने पर भी उन्होंने भगवान भजन नहीं छोड़े। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, कहते हरिदास ठाकुर का स्पर्श की इच्छा देवता लोग भी इच्छा करते हैं, हरिदास ठाकुर का स्पर्श प्राप्त हो। हाँ? बोले गंगा वांछे हरिदासेर मंजन, इसलिए वैष्णव है जब हरिदास ठाकुर गंगा में स्नान करने जाते हैं वो गंगा क्या चाहते है? कोई वैष्णव आए आकर के इसमें स्नान करे। क्यों? जितने पापी लोग आकर के गंगा में स्नान करके सारे पाप को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन उनको दो बार अगर पवित्र करता है कौन करता है? इसलिए तीर्थ कुरुबन तीर्थानी संतोष देन गदा प्रथम, इसलिए अगर कोई तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करते हैं कौन है? कहते वैष्णव लोग। बोले क्यों? हृदय में जिन्होंने भगवान हृदय में धारण करके रखे हृदय में, इसलिए स्पर्श की दाय देखिलो कर्मनाश। कहते वैष्णव का स्पर्श तो दूर की बात है, अगर उनको कोई दर्शन कर लेना, इसलिए दर्शन नाम भवेत बंध भूषण अग्नो सभी दूर जथा के। बोले वैष्णव को दर्शन कर ले तो वास पवित्र हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गंगा र पर सहले पसते पवन दर्शने पवित्र कर ऐ तो मार्गो न हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तुमा स्थाने अपराधे नाही कहेड़ा। यहाँ पर श्री प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सारी चीजों को कोटचन करते हैं। कहते भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष दिन यही साधन रघुवर। इसलिए साधन में सर्वश्रेष्ठ जो बल है भक्तों का चरण धूलि, भक्तों का चरणामृत और उनको अधरामृत भवन की कथामृत, ये तीन चीज जल्दी से जल्दी भक्ति प्रदान करता है। इसलिए जैसा संस्पर्णाथ पुंसा सत्य शुद्धंति वही गृहा किम पुनः दर्शन स्पर्शम पाद शौच सनादि भी। इसलिए जिनके स्मरण मात्र से ही पुंस क्या होता है? सत्य शुद्धंति वही गृहा है, उसी समय में ही गृह व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। किम पुनः दर्शन आपी है, कहते जिनके स्मरण मात्र से जीव पवित्र हो जाते हैं, अगर उनका कोई दर्शन उनका स्पर्श अगर कोई उनके चरण को धोए मतलब उसमें और क्या बात है, है? इतने वैष्णव की प्रभाव है। इसलिए ना हस्मायन तीर्थानी न देवा मृत शिलमया
ते पुनंति उरुकाले ना दर्शना मतलब बोलो बोलो क्या आश्रय आयन को तरक में करना ये कर जान से श्लोक जान चुके कहले अर्थ करने जो तीर्थ है जो देवता है इनको बहुत दिन तक है कथिन के बहुत दिन तक जब उनका दर्शन स्पर्शन करते हैं सेवा करते हैं बड़े दिनों के बाद में पवित्र करते हैं है? इसलिए तीर्थ में जैसे हमारे अब लोग उड़िया लोग हो हमारे देश में जो माताएं जो वृद्ध उम्र हो जाता है ना क्या करते हैं वो व्रत रखते हैं कार्तिक पूरा महीना क्या रखते हैं उसको तो क्या बोलते हैं हाँ हविसारना हविष रखते हैं हविसारना एक टाइम खाएंगे हाँ सब चीज एक साथ में दे करके एक बार केवल रोसी करके थोड़ी सी घी दे करके हैं अभी घी थोड़ी सी दे करके बस उसको मैं तो हमारा गांव में हम जब रहते थे दिन में एक बार वो बूढ़ी माता खाती थी कब बाहर किसकी कोई आवाज नहीं होनी चाहिए इसलिए हम बचपन में खेलते थे ना बोले बच्चों अभी कोई आवाज शोर शब्द नहीं करना क्योंकि जो बूढ़ी माताएं भोजन कर रहे मतलब किसकी आवाज नहीं होनी चाहिए मतलब इतने निष्ठा पूर्वक वो ये व्रत पालन करते हैं एक महीना तक अरे फिर हमारे उसके बाद में बूढ़ो पकाते हैं बूढ़ो मतलब आकर समुद्र में स्नान करेंगे हैं समुद्र में बूढ़ो पकाएंगे स्नान करेंगे उसके बाद में स्नान करके जब गांव में जाते थे ना बोले एक महीना तक माछ मछली खाई नहीं हैं एक महीना तक मुंह तो खराब हो गया ले आओ हाजी झाड़ खाई हाँ इसलिए आज ले आओ बढ़िया से माछ मछली ले आओ और मुर्गा ले आओ इसलिए 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा और बाद में मुर्गा है 9 दिन तक दुर्गा बाद में फिर मुर्गा फिर गया सारे तीर्थ सारे व्रत खत्म 12 वर्ष तपस्या सुखा बोड़ा रे गला है 12 वर्ष का तपस्या सुखा बोड़ा में गया खत्म इसलिए कहते बड़े दिन तक तीर्थ में स्नान करने पर देवताओं को दर्शन करने पर हैं कितने लोग रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं क्या जीवन परिवर्तन है मांस मछली सारा दुनिया खाते हैं लेकिन कहते पुनंति उरु काल न दर्शन देव साधव वो लोग तो बड़े दिनों में जाकर कहीं जीव का कल्याण करते हैं लेकिन वैष्णव का दर्शन मात्र से ही उनकी हरि कथा श्रवण करते हैं तभी जीवन ये परिवर्तन हो जाता है इसलिए वैष्णव का कृपा से ही जीवन परिवर्तन होता है इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर हरिदास ठाकुर जी की बड़ी महिमा गाए बोले श्री हरिदास ठाकुर की बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की बोले श्री गिरिराज महाराज की निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva.
वृंदावन अनिरुद्ध प्रभु अनिरुद्ध भले जी नुआ पिला सब आसती किसी चार जन।